मौसम और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। किसानों के साथ केंद्र और राज्य सरकार भेदभाव कर बिचौलियों को लाभ पहुंचा रही है। मौसम की मार से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, इसके बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, समर्थन मूल्य का कष्टकारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बात नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने किसानों के धरना प्रदर्शन पर कही। उन्होंने राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्रित हुए थे। कृषि उत्पादन मंडी स्पीति में किसानों और कांग्रेसियों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। इसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या समेत आसपास के क्षेत्रों से किसान पहुंचे थे। यहां हुई सभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि किसानों का केंद्र राज्य सरकार उत्पीड़न कर रही है, किसानों की फसलें बारिश से बर्बाद हुई है जिसका मुआवजा नहीं दिया गया, किसान बिचौलियों को फसल बेचने को विवश हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि खेत, बीज, मेहनत सब कुछ किसान का होने के बाद भी काश्तकारों को समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, बिचौलिए किसानों की फसल से गोदामों को भर कर आर्थिक क्षति पहुंचा रही है। धूल मूल नीति के कारण किसानों की 70% फसल की MSP चहेते लोग खा रहे हैं। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। किसानों के पक्ष में आज यहाँ पहुँचे थे आप, किसान दुखी हैं, आप लोग यहाँ पहुँचे थे, आपने काफ़ी कुछ बोला है अधिकारियों के लिए, कहा है कि फट्टे लगेंगे इनके, क्या कुछ कहना चाहते हैं? फट्टे लगेंगे और ऐसे अधिकारी जो सरकार के निर्देश पर किसानों का शोषण करें, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी। ये बहुत हो गया सहन करते करते। किसान देखिए दिन भर मेहनत करता है धूप में, कभी उसकी फसल बारिश से ख़राब होती है, कभी अति धूप से ख़राब होती है, खेत उसका, बीज उसका, खाद उसकी, मेहनत उसकी, और लेकिन जो कमाई है वो बिचौलियों की हो रही है। इस समय आप देख लीजिए सरकार ने जिस तरीके से उनके फसलों को उठाने का काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा। समर्थन मूल्य के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 700 किसानों की जान चली गई, वो उसका कोई कदम आगे नहीं बढ़े। मंत्री के बेटे ने जिन किसानों को मारा, उस मंत्री के बेटे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग रहे किसान? ये तो कह रहे ये धान की तोल होनी चाहिए। क्या दिक्कत है अधिकारियों को और सरकार को? और कहाँ जा रहा है वो पैसा जो अतिरिक्त 200-300 रुपये का घाटा जो कर रहे हैं पर क्विंटल, वो कहाँ जा रहा है? उसकी बंदरबाट किन में हो रही है? ये सारे विषय ऐसे हैं जिससे किसानों में आक्रोश है। और इसीलिए आज हरिद्वार में आदरणीय हरीश रावत और काजी निजामुद्दीन जो विधायकों के नेतृत्व में यहाँ यशपाल आर्या जी और हमारे 4 विधायक यहाँ उपस्थित रहे, मैं स्वयं उपस्थित हूँ, किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं और हमारे अध्यक्षगण यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, उन सब की मौजूदगी में किसानों ने आज इस आंदोलन की नींव आज यहाँ रखी है। अगर ये इसी तरीके से चलेगा तो जय जवान जय किसान के इस देश में ना तो जवान इनको छोड़ने वाले हैं ना किसान बीजेपी को छोड़ने वाले हैं। इनका अगर कोई इलाज करेगा, कोई ट्रीटमेंट करेगा इस बिगड़ी हुई सरकार का, तो किसान ही करेगा। बिक चुकी है क्षेत्र में, इसमें क्या मजबूरी है? बिकी नहीं है, उठा ली गई है, क्योंकि किसान गरीब है, वो बीज के लिए भी किसी से उधार लेता है, वो खाद के लिए भी उधार लेता है, लेबर को पेमेंट करने के लिए भी उधार लेता है, और सरकार उनसे मिली भगत करके, जो बड़े सेठ है, मिली भगत करके धान को उठाती नहीं है टाइम पे, और वसूली करता उनसे जब मांग करता अपने पैसे की और ब्याज की, तो मजबूरी में औने पौने दाम पे अपने धान की या गेहूँ की फसल को किसानों को उन सेठों को बेचना पड़ता है। और सरकार उसी लिए ये करे कि जो देरी हो रही है टोल लगाने में, इसका कारण यह है कि सेठों की और सरकार की मिली भगत है, अडानी और अंबानी की सरकार है, इससे यही उम्मीद की जा सकती है। कांग्रेस का कार्यक्रम था, आप पहुंचे, वरिष्ठ नेता हैं, आप किस तरीके से देखते हैं सरकार की नीति और रीति को और प्रशासन को? देखिए केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों का उत्पीड़न, किसानों के साथ जातिया जुल्म इस सरकार ने किए हैं, उसकी इंतहा हो चुकी है। धान के उपज का जो समर्थन मूल्य है वो मिल नहीं पा रहा है, किसान बिचौलियों को धान बेचने को मजबूर हैं,
और पूरे प्रदेश में जिस तरह से चाहे गेहूं की फसल भारी बारिश से तबाह हुई, मुआवजा नहीं मिला, गन्ने की फसल भारी बारिश से बर्बाद हुई, धान की फसल बर्बाद हुई, मुआवजा नहीं मिला, तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो चुका है कि सरकार किसान विरोधी है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। और आज इसीलिए सितारगंज की धरती से कि किसानों की आवाज़ को ताकत देने के लिए, बल देने के लिए यहाँ पर धरना किया गया है और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता, जब किसानों के उपज का उचित मूल्य नहीं मिल जाता है। किसानों की समस्याओं को लेकर आप पहुंचे थे, क्या कुछ रहा यहाँ पे? सरकार और प्रशासन की मिली भगत की बात भी नेताओं ने कही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो किसान है वो अन्नदाता है और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान है तो किसान का है। उत्तराखंड में 1 तारीख से धान के क्रय केंद्र खुलने चाहिए थे लेकिन अभी तक नहीं खुले हैं। किसान परेशान है, अपना किसान की जो फसल है वो आधे पौने दामों में बिक रही है, सरकार बिल्कुल सुन नहीं ले रही है। सरकार कांटू में जो है कि जो धान क्रय केंद्रों ने बेचने में पैसे के जुगाड़ में लगी हुई है कि भाई क्रय केंद्र के हिसाब से बैठे, तो ये बड़ा निंदनीय विषय है। सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।